भागवतामृत में और स्वर्ग के अमृत में क्या फर्क है। स्वर्ग का अमृत पान करने वाला देह त्याग करने के बाद सीधा भगवान के धाम जाता है। पुण्यात्मा, पुण्यात्मा जाते हैं, पापात्मा तो जाएगा ही नहीं भगवान के धाम, वो तो यहीं घूमता भटकता रहेगा। अच्छा, जिसने पुण्य किया है, पुण्य का अमृत पान किया है, वह सीधा भगवत धाम को जाता है और वहां उसे अमृत, स्वर्ग का अमृत पान करने का सौभाग्य मिलता है। पापी यदि चाहे तो पापियों को नहीं मिल सकता, केवल पुण्यात्मा को ही प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ भागवतामृत सबको सुलभ है, जो आवे सो पावे, किसी को प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी हम इतना पुण्य करके आए इसलिए भागवतामृत पीने के लिए आए, सुनने के लिए आए, नहीं। चाहे पापात्मा हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे भ्रष्टात्मा हो, चाहे पतितात्मा, कैसी भी आत्मा हो, जो आवे सो पावे। पहला फर्क, स्वर्ग का अमृत भेदभाव करने वाला है, पक्षपात, केवल पुण्यात्माओं को सुलभ है, पापियों को सुलभ नहीं है। पर भगवान का अमृत सर्व सुलभ है, सबके लिए सुलभ है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का अमृत पान करने वाले देवताओं के शनैः शनैः पुण्य क्षीण होते चले जाते हैं और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्य समाप्त होने के बाद देवताओं को भी ऊपर से नीचे धरती पर वापस गिरना पड़ता है, मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो भगवान क्या करते हैं, देवताओं के गले में ऐसी पुण्यों की माला पहना देते हैं, ऐसी जैसे फूल की माला से पुण्यों की माला। और जैसे जैसे देवताओं के पुण्य समाप्त होते जाते हैं वह माला भी सूखती जाती है, और जैसे जैसे माला सूखती जाती है देवताओं का मुंह भी सूखता जाता है। अब गए, अब गए, अब गए, शोक मोह भय सदैव छाया रहता है स्वर्ग का अमृत पीने वालों के जीवन में, और भागवतामृत पान करने वालों के जीवन से शोक मोह भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवता ऊपर से नीचे गिरते हैं, पर भागवतामृत पान करने वाले भक्तगण कल्मषापहम उनके पापों का नाश हो जाता है, ऊर्ध्व गति करते हुए भगवान के धाम को चले जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, एक बात सबसे बड़ा अंतर विशेषता, स्वर्ग का अमृत वहां थोड़ा लोभ की पराकाष्ठा देखी जाएगी देवताओं में। देवता पीते पिलाते नहीं है, स्वर्ग का अमृत अगर देवता पीने लग जाएं तो अमृत समाप्त नहीं हो जाएगा। समुद्र मंथन हुआ तो एक घड़ाई तो निकला, अब उसको देवता तो अनंत हैं, अगर पीने लग गए एक एक बूंद भी पिएंगे तो ठिकाने लगा देंगे सारा अमृत। तो पीते पिलाते नहीं है, तो बोले महाराज जी केवल देख 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 कर रह जाते हैं, सूंघ कर रह जाते हैं। हाँ, जैसे एक बार क्या हुआ, तीन मित्र थे, बहुत पक्के घने मित्र, और तीनों दोस्त एक बार बाजार में गए, एक नंबर के कंजूस, जीवन में एक पैसा खर्च नहीं किया। एक मित्र ने कहा, अरे चौथापन आ गया है दोस्त, मर जाएंगे, कब आंख बंद हो जाए, लोग हमको बड़ा कंजूस कहते हैं, चलो आज हम भी कुछ खर्चा करके दिखाते हैं कि हम भी खर्चा कर सकते हैं। हिम्मत करके, अब क्या करें, क्या खरीदें, क्या खर्चा करें, तो सोचा कुछ ऐसा खर्चा किया जाए, कुछ ऐसा खरीदें कि खाएं तो सेहत तो बने। हिम्मत करके 250-250 ग्राम देसी घी खरीद लिया और तीनों मित्र अपने घर चले गए। लो, एक महीना के बाद तीनों फिर मिले, अरे भैया जय सीताराम, अरे आओ आओ भैया, राधे राधे, कहो तुम्हारे घी की क्या हाल चाल है। पहले ने कहा, हमारा तो राम जी की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है। कैसे चलाते हो? बोले भैया हमने तो नियम बना रखा है, जब रोटी बनाते हैं तो पहली नीचे वाली रोटी चुपड़ देते हैं, ऊपर वाली आखिरी रोटी चुपड़ देते हैं, बाकी रोटियां चुपड़ी हुई मान लेते हैं, तो हमारा घी ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है। दूसरे ने कहा, हे भगवान तू कितना खर्चा करता है, अच्छा तुम क्या करते हो? बोले भैया हमने तो ऐसा कर रखा है काम, ये लोहे की सलाई बना रखी है, और जब रोटी बनाते हैं तमाम रोटियां बन जाती हैं तो सलाई को घी में डुबो देते हैं और बीच रोटियों में चुभो देते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम घी लग जाता है सब रोटियों में, बाकी ठाकुर जी की कृपा है चल रहा है घी। तीसरे ने कहा, हे भगवान तुम दोनों कितना खर्चीले स्वभाव के हो, अच्छा तुम क्या करते हो? बोले हमने तो हमारे घी को उसी दिन कांच की बोतल में भर दिया था जिस दिन खरीदा था। रोटी बनाते जाते हैं तो कांच की बोतल को रोटी पर घुमाते जाते हैं,
रोटी चुपड़ी हुई मान लेते हैं और पाने के लिए बैठते हैं, ढक्कन खोल देते हैं, जो खुशबू आती है आत्मा गदगद हो जाती है। आप बताओ, वो सूंघ कर ही काम चल रहा है तो खर्चा करने की जरूरत ही नहीं, खाने की तो जरूरत ही नहीं। तो देवता पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सूंघ कर देख कर रह जाते हैं, कंजूसी की पराकाष्ठा। पर भागवतामृत में कोई कंजूसी नहीं है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः।